नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एस्ट्रोलॉजर गुरु माँ सरोज देवी जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए बहुत से उपाय और टोटके लेकर आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप नींबू से अपने पड़ोसन को अपने वश में कर सकते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपके आसपास रहने वाली लड़कियां या आपको अपनी पड़ोसन पसंद आ जाती हैं और आप उसे देखते ही मन उसे अपना दिल दे बैठते हैं, पर आपको पता नहीं होता है कि वह पड़ोसन पहले से ही किसी के साथ इंगेज्ड है या फिर शादीशुदा है। ऐसे में आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करें जिससे कि वह पड़ोसन आपके वश में हो जाए, वह आपसे बातें करें। तो दोस्तों, अब आप चिंता ना करें, आप हमारे द्वारा बताए गए टोटके को आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको एक पीला नींबू लेना है और इस पीले नींबू पर उस स्त्री का नाम लिख देना है। नाम लिखने के पश्चात आपको जोड़ का निशान उसी पे बनाना है और साथ में आपको अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के लिए आपको लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम कामाख्या देवी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। मंत्र जाप करने के पश्चात आप उस नींबू को एक लाल कपड़े में लपेट कर अपने पड़ोसन के घर फेंक दें। जैसे ही पड़ोसन उस नींबू से गुजरेगी या स्पर्श होगा नींबू का, वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी और आपकी कही हर बात को मानेगी। दोस्तों, आपको इस टोटके को करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो बिना देरी किए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारी गुरु माँ सरोज देवी जी से संपर्क करें, वह आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य करेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।